answer this question. No, I will answer this question. I will answer this question. I will answer this question. सर, मैंने बोला पीछे आई विल आंसर दिस क्वेश्चन देन आई विल कमिंग टू यू बस पहले मैं जवाब दूंगा कौन साहब पहले मैं जवाब दूंगा उसके बाद आप जवाब देंगे नाउ यू प्लीज लिसन मी आप रोज आते हैं कभी कभी आते हैं फर्क नहीं पड़ता तिरंगा लगा रखा है आपने क्या नाम है आपका सर रामेश्वर है रामेश्वर तिरंगा बैठिए कौन साहब रामेश्वर तुमने 90 नहीं देखा तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तुमने 90 नहीं देखा तुमने सेब की सुनो तुमने सेब की पेटी में छुप के आते हुए लोगों को नहीं देखा दर्द से अरे क्या बात कर रहे हो तुम क्या बात कर रहे हो तुम कहते हो डरपोक एक और रातों रात कहा जाता है कि तुम यहां से छोड़ के चले जाओ है ना क्या करते बंदूक उठा ले तुम्हारे हिसाब से तो बंदूक उठा लेनी चाहिए इनको और अगर ये बंदूक उठा लेते हैं तो ये बहुत बड़े बहादुर हो जाते हैं ना या ये डरपोक नहीं रहेंगे तुम्हारा कहना यही है ना ना कौन साहब ना प्लीज जी एक मिनट जी अरे 370 आप थोड़ी थोड़ी क्या नाम बताते इनका रामेश्वर हाँ ना रामेश्वर जी जी जो भी नाम है इनका रामेश्वर जी बहुत अच्छा सवाल पूछा हम लोग डरपोक थे बिल्कुल डरपोक थे 700 साल सुनना तथ्य है थोड़ा दिमाग में रखना सुनो यू हैव टू लिसन मी 700 साल दुनिया में कहीं पे भी जहां इस्लाम 100% रहा है वहां कोई को रिलीजन सर्वाइव नहीं कर पाया है 3 साल टर्की खत्म 5 साल सीरिया खत्म 5 साल अफगानिस्तान खत्म मैं बता रहा हूं सुनिए 100% बैठो कुछ नहीं पता तुम लोगों को कुछ नहीं पता तुम्हें 700 साल सुनो इसको पहले इनसे सुन लो यार सुने मोहम्मद रफी आता पहले मेरे को उनका जवाब देने दो मोहम्मद रफी आता प्लीज सिट डाउन ये जो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वो लड़े हम लोग रामेश्वर इस्लाम जहाँ हुआ है अरे यार 700 साल ठीक है हम डरपोक ही सही मुझे ये बता दीजिए दिल्ली में दंगे हुए ये बहादुरी कहाँ खत्म हो गई थी इन लोगों की जब दिल्ली में मारे गए लोग कितने लोग बाहर निकले ये जो बिहार में दंगे हुए कितने लोग बाहर निकले ये बकवास यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे आप लोग अपने पजामे उठा के भाग पड़ोगे इस्लाम जिहाद का हमने फैसला किया है हमने एक्सपोज किया है और तुम तालियां बजाते रहो यहाँ पे रामेश्वर दिस इज वेरी बैड चुपचाप खड़े रहो रामेश्वर एक बात भी नहीं बोलोगे किसी को डरपोक कहना किसी को AK-47 देखिए कभी देखिए कि 47 आ रहा सड़कों में 10 लाख लोग देखे तो तुम्हें मार राजू को रामेश्वर तुम जाओ मैं कह रहा हूँ रामेश्वर जाओ प्लीज बैठिए कूल डाउन आपके सब्र का मैं बहुत कायल हूँ बैठिए मोहम्मद रफी था मैं भी आपका आप बहुत सुनी ले हैं बहुत बहुत शुक्रिया सवाल यह है कि कौन कायर है कौन बहादुर है बंदूक उठा लें तो हम बहुत बहादुर हैं नहीं सर नहीं बहादुरी का प्रतीक नहीं है हमने एक सरकार चुनते हैं सरकार की जिम्मेदारी होती है
सरकार की जिम्मेदारी थी, हम ये नहीं कर सकते। वो तो आतंकी थे, जिन्होंने भगाया वो आतंकी थे, जो सेब पेटियों में छोटे छोटे बच्चे छुप कर आए श्रीनगर से, वो आतंकी थे वो लोग। वो तो जान बचा के भाग रहे थे, बंदूक आपने देखी नहीं है कि 47 क्या होती है, जिन्होंने देखी है, जिनके ऊपर परिवार में बीता है, वही जानते हैं कि वो चीज क्या होती है और वो खौफ क्या होता है। यहां खड़े होकर कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मुझे मालूम है, मैं लाल चौक पे शो करके आ रहा हूं, मुझे मालूम है क्या होता है चीजों, जी मुझे मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। जी कांग्रेस प्रतीक जी, आज का मुद्दा जो है वाकई संवेदना का मुद्दा है, भटक जाता है मुद्दा भटक जाता है सही जगह पे। आप किसी को कहते हैं आप कायर हैं, तो वो तो पहले तो इस पर प्रोडक्ट करने लगा कि मैं कायर नहीं हूं। अरे मुद्दे का हल दीजिए, आप कहते कायर करके जल्दी साहब और अनूप जी को दोनों लोगों के प्रति व्यक्तिगत तौर पे इस बात के लिए मैं मानता हूं, जिस तरह से लोगों ने आज बोला है नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है और आतंकवाद बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। आतंकवाद का मुद्दा पार्टी का मुद्दा कभी होना भी नहीं। मैंने आज तक कभी यहां से तो लोगों को बाहर भेजा है कि यहां से आप चले जाइए, मैंने जनता से कभी नहीं कहा कि यहां से चले जाओ, मुझे आज मजबूरी में कहना पड़ा। जी बहुत दुख की बात है जो टर्म है। पहले तो हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि दें सभी लोग मिलकर के उन लोगों को जिनके साथ इस तरह का टारगेट है। जी सारे लोग खड़े होंगे और सारे लोग विनम्र श्रद्धांजलि दें कम से कम उस परिवार को। शुक्रिया। जहां तक मुद्दा कश्मीर का है, कश्मीर का मुद्दा रियल में संवेदनशीलता का मुद्दा है, कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, उन मुद्दों पर हमें संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए, कभी भाजपा कभी कांग्रेस कभी सपा। आप आए और मुंह खोल दें कि लगे आप कायर हैं। अरे भाई अपने बच्चों को बचाएगा कोई आदमी, अपने बच्चों को बचाएगा ना। AK-47 जहां चल रही हो वहां हम कहें कि आप डरपोक हैं और भाग गए तो ये तो गलत बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद ही डरपोक हैं, आप खुद ही कायर हैं। सही बात है, सच्चाई है। आज जो देश जो परिस्थिति कश्मीर में है, सबको पता है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जो है वहाँ बार बार प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ अशांति फैले। ठीक है, हम सरकार पर प्रश्न लगाएंगे, प्रश्न लगाने के अलग प्रश्न है, उसके अलग मायने हैं। सरकार यदि इंटेलिजेंस पे फेल हो रही है, यदि सुरक्षा में फेल हो रही है, सरकार को चूंकि लोगों ने चुना है तो वो बात रखी जाएगी। इसके लिए कोई अब यहाँ आकर के चिल्लाने लगे और कश्मीरी पंडितों को ही अपराधी बोलने लगे तो मुझे लगता है ये न्यायिक नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन हमें भी समझना है, बीइंग अ कांग्रेसी इतने सालों में तो पहली बार सुन रहा हूं मैं यहाँ। मैं बीइंग अ कांग्रेसी कहता हूँ, कांग्रेस परिवार के होने के नाते भी कहता हूँ कि ये कांग्रेस और भाजपा का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। अब प्रयास होना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान को कंटेन करें, हम कैसे रोकें उसको, वहां से जिस तरह सीमा पार से जिस तरह लगातार घुसपैठ की गतिविधि हो रही है, अंदर में जिस तरह टारगेट किया जा रहा है। ये मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि सिर्फ कश्मीरी पंडित को नहीं, ये तो बहाना बना रहे हैं वो लोग वो हर व्यक्ति को मारना चाहते हैं जो व्यक्ति शांति का, अमन और चैन का वहां पे बात करता है। राइट, लास्ट योर टेक प्रतीक भाई। मुझे बड़ी खुशी होती कि न्यूज 18 का माइक अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास जाता और उनसे ये सवाल करता कि जिस वक्त उन्होंने देश के अंदर नोटबंदी करी थी और ये कहा था, देश की जनता से प्रॉमिस करा था कि आज आतंकवाद के ऊपर चोट हो गई, तो जवाब उनसे मांगा जाए। जब धारा 370 और 35A हटाया गया जिस तरीके से, उस वक्त की मौजूदा सरकार ने कहा था, जो आज की मौजूदा सरकार है, कि हर समस्या का समाधान हो गया। और दूसरी बात कह दूं, मैं आपके दर्द के साथ हूं, कश्मीरी पंडित कायर नहीं है। सबसे ज्यादा मजबूत कौम अगर कोई है तो मैं मानता हूं कश्मीरी पंडित हैं, जो उन जैसे दहशतगर्दों का सामना करते हैं। और तीसरी बात सबसे बड़ी, आज भी अगर आप 89 से लेकर 90 तक का पीरियड देखेंगे, उस वक्त के गवर्नर जगमोहन किसकी सरकार में आए थे और कौन सरकार के अंदर जिम्मेदार था, जब से यह सिलसिला चलता आ रहा है, जनता को जवाब देना होगा। गृह मंत्री, ऑफकोर्स आपने टारगेटेड सवाल पूछे, लेकिन मुझे एक बात आपसे और कहनी है। एक मुल्क है, एक झंडा रहेगा, एक विधान रहेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। एक मुल्क में दो झंडे नहीं हो सकते, दो कानून नहीं हो सकते, इसलिए 370 का हटाया जाना सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। वक्त है छोड़ते ब्रेक का, ब्रेक के बाद ना फिर